हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ नीलेश खोना। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कॉलेज विथ नॉलेज में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर। ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, ग्रीन बिल्डिंग किसे कहते हैं, ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी हमें क्यों अपनानी चाहिए, ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स क्या है, लीड सर्टिफिकेशन क्या होता है, ऐसे ही कई सारे टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। लेट्स गो। ग्रीन बिल्डिंग क्या है? आप सोच रहे होंगे कि ग्रीन बिल्डिंग यानी अलग अलग तरह के पेड़ पौधे जो घर, ऑफिस या किसी और पब्लिक प्लेस या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में लगाए जाते होंगे, पर असल में ग्रीन बिल्डिंग एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके डिजाइन, निर्माण और इस्तेमाल से नेगेटिव इम्पैक्ट्स कम होते हैं और हमारे क्लाइमेट और नेचुरल एनवायरनमेंट में पॉजिटिव इम्पैक्ट्स दिखाई पड़ते हैं। ग्रीन बिल्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज की सुरक्षा करती है और हमारे जीवन स्तर में सुधार लाती है। ग्रीन बिल्डिंग एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके निर्माण में सभी मटेरियल रीयूज रिसाइकल के माध्यम से उपयोग किए जाते हैं, जिससे ग्रीन बिल्डिंग को इफिशियंट और एनवायरमेंटल फ्रेंडली बनाया जा सके। ग्रीन बिल्डिंग में ज्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे आखिर हमारे देश को ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी की क्या आवश्यकता है। हमारे देश की टोटल आबादी 1.4 बिलियन के करीब है और 2011 के काउंटिंग के मुताबिक हमारे देश की 31% आबादी अर्बन एरियाज में स्थित है। अर्बन एरिया यानी शहर के आसपास का क्षेत्र। और जानकारों की माने तो 2030 तक देश की 70% आबादी अर्बन एरियाज में शिफ्ट हो जाएगी। हमारे देश में अभी 2020 में टोटल एनर्जी कंजम्पशन 1.1 ट्रिलियन यूनिट्स है, जो 2030 तक 4 गुना बढ़ेगा यानी 4 ट्रिलियन यूनिट्स। और अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, वाटर शॉर्टेज। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर एक दिन में इंडिया के मुख्य शहरों में 225 मिलियन लीटर की वाटर शॉर्टेज होती है और 2030 तक इंडिया के 21 शहरों में पानी पूरी तरह से खत्म होने का अनुमान है, जिसका अंजाम हम दिल्ली और चेन्नई जैसे शहरों में भी देख चुके हैं। इन सभी समस्याओं का समाधान आपको ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिल जाता है। इसके अलावा ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कई सारे महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करती है, जैसे स्वास्थ्य की रक्षा करना, वर्कर्स की कार्य क्षमता बढ़ाना, ऊर्जा, पानी और नेचुरल रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करना, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव कम करना, पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याओं को खत्म करना, नॉन टॉक्सिक और सस्टेनेबल मटेरियल्स का उपयोग करना, एक ऐसी बिल्डिंग जो किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन में उपयुक्त हो। ग्रीन बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कितने प्रकार की है? नंबर 1, नेट जीरो कॉन्सेप्ट्स। नेट जीरो कॉन्सेप्ट्स यानी एक ऐसी बिल्डिंग जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के इस्तेमाल से स्वयं ही ऊर्जा यानी पावर उत्पन्न कर सके। यह टेक्नोलॉजी आवश्यकता से ज्यादा एनर्जी का उत्पादन करती है, इसलिए इसे एनर्जी प्लस बिल्डिंग्स भी कहा जाता है। इसी तरह जो बिल्डिंग रिक्वायर अमाउंट से कम एनर्जी का उत्पादन करती है उसे नियर जीरो एनर्जी बिल्डिंग भी कहा जाता है। खास तौर पर ऐसी बिल्डिंग प्रति वर्ष जीरो एनर्जी लॉस और किसी भी प्रकार का कार्बन इमिशन CO2 का उत्पादन नहीं करती। नंबर 2, HVAC, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग। किसी भी बिल्डिंग की 50% ऊर्जा उसके हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग में इस्तेमाल हो जाती है। इस संदर्भ में HVAC सिस्टम काफी कारगर साबित होता है। HVAC सिस्टम की मदद से आप पूरे घर, ऑफिस में ठंडी, गर्म और डीह्यूमिडिफाइड एयर पर कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे आप अपने कंफर्ट के हिसाब से टेम्परेचर कंट्रोल कर सके। HVAC सिस्टम में इको फ्रेंडली वाटर कूल चिलर्स मौजूद होते हैं जो टेम्परेचर कंट्रोल करते हैं। HVAC सिस्टम का मुख्य उद्देश्य बिल्डिंग में कैसे कम से कम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जा सके ये सुनिश्चित करना है। नंबर 3, लो इमिटिंग मटेरियल्स। लो इमिटिंग मटेरियल्स यानी ऐसा मटेरियल जिसके इस्तेमाल से केमिकल रिएक्शन, एयर क्वालिटी, ह्यूमन हेल्थ, प्रोडक्टिविटी और एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान ना हो। लो इमिटिंग मटेरियल्स में सभी मटेरियल नॉन टॉक्सिक और सस्टेनेबल होते हैं। जनरली लो इमिटिंग मटेरियल्स बिल्डिंग में काफी सारी जगह पर इस्तेमाल होते हैं, जैसे इंटीरियर पेंट्स एंड कोटिंग्स, फ्लोरिंग, कंपोजिट वुड्स, सीलिंग्स, वॉल्स, थर्मल इंसुलेशन एक्सेट्रा। नंबर 4, सोलर पावर। ग्रीन बिल्डिंग की बात हो और सोलर पावर का इस्तेमाल ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। सोलर पावर भी दो टाइप के हैं, एक्टिव सोलर पावर और पैसिव सोलर पावर।
एक्टिव सोलर पावर सिस्टम सूर्य की रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, जिससे आप हाउस होल्ड अप्लाइसेंस का इस्तेमाल कर सके। इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने में काफी ज्यादा इनिशियल कॉस्ट लगती है, पर यह टेक्नोलॉजी लंबे समय तक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को कम करना और ग्रीन हाउस गैस इमिशन जैसी एनवायरमेंटल हैजर्ड से प्रोटेक्ट करती है। पैसिव सोलर पावर टेक्नोलॉजी की डिजाइन विंडोज की प्रॉपर प्लेसमेंट पर आधारित है, जो हीट को एब्जॉर्ब करके एनर्जी में कन्वर्ट करती है। नंबर 5, ग्रीन इंसुलेशन। ग्रीन इंसुलेशन में मेनली सेल्यूलोस का इस्तेमाल किया जाता है, जो न्यूज़पेपर के रिसाइकल से बनाया जाता है। कोई भी बिल्डिंग को इंसुलेशन करना बहुत ही आवश्यक होता है। इंसुलेटिंग मटेरियल्स कई तरह के होते हैं, जैसे वुल इंसुलेशन, स्लैग एंड स्लैब्स, नेचुरल फाइबर इंसुलेशन, पोरोथर्म ब्रिक्स, पियर लाइट इंसुलेशन, सीमेंटिटियस फॉर्म इंसुलेशन एक्सेट्रा। इन सभी इंसुलेशन की वजह से बिल्डिंग एकदम हाई फिनिश लगती है, जो पूरी तरह नॉन रिन्यूएबल मटेरियल से बनी होती है। नंबर 6, वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन ग्रीन बिल्डिंग का बेसिक प्रिंसिपल है। यह सुनिश्चित करने के लिए बिल्डिंग के निर्माण और पानी के इस्तेमाल से डे टू डे लाइफ में कैसे पानी कम से कम इस्तेमाल किया जा सके। वाटर कंजर्वेशन में वाटर हार्वेस्टिंग मुख्य भूमिका निभाता है, जिससे बारिश का पानी इकट्ठा किया जा सके और डायरेक्ट यूज नहीं तो फिर ग्राउंड वाटर में स्टोर कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से आप पानी को पीने योग्य भी बना सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन में पानी का रीयूज और रिसाइकल भी होता है, जिससे आप अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सको। अब बात करेंगे ग्रीन बिल्डिंग को कौन सा प्रमाण पत्र मिलता है। ग्रीन बिल्डिंग को USGBC लीड सर्टिफिकेशन प्राप्त होता है, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की तरफ से दिया जाता है। लीड रेटिंग सिस्टम में 100 पॉइंट शामिल है, जो बहुत सारी कैटेगरीज पर आधारित है, जैसे वाटर इफिशियंसी, एनर्जी एंड एटमॉस्फेयर, मटेरियल एंड रिसोर्सेज, इंडोर एनवायरनमेंट क्वालिटी, इनोवेशन इन डिजाइन, इनोवेशन इन ऑपरेशंस, ऐसे ही कई सारी कैटेगरीज शामिल है। इसके अलावा 10 पॉइंट्स बोनस भी मिलते हैं, जो ग्रीन बिल्डिंग के डिजाइन एंड इनोवेशन पर निर्भर है। लीड सर्टिफिकेशन 4 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, जिसमें लीड सर्टिफाइड 40 से 49 पॉइंट्स, लीड सिल्वर 50 से 59 पॉइंट्स, लीड गोल्ड 60 से 79 पॉइंट्स और लीड प्लेटिनम 80 प्लस पॉइंट्स पर प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में हम, हमारा देश और पूरी दुनिया ग्रीन बिल्डिंग की ओर आकर्षित हो और उसे अपनाएं और हम सब मिलकर हमारे नेचुरल रिसोर्सेज और एनवायरनमेंट को खत्म होने से बचा सके। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको ग्रीन बिल्डिंग के बारे में गहराई से जानकारी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, आप वहाँ जाके PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो ऐसे ही नए वीडियोस देखने के लिए मेरे YouTube चैनल कॉलेज विद नॉलेज को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लीजिए, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस की अपडेट्स लगातार मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, थैंक यू। We'll be right back.